हे गाइस, वरुण मैं रेसलिंग चैनल। तो गाइस बहुत ज़्यादा अपडेट है स्मैकडाउन की रेटिंग से, AEW से, इवन गाइस विल ऑस्प्रे से, रैंडी ऑर्टन से, CM पंक से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फर्स्ट और फर्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है गाइस स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो गाइस रिसेंटली स्मैकडाउन की व्यूअर्स 2.22 मिलियन आई है। तो आपको पता है ये स्मैकडाउन की आई जाती है व्यूअरशिप क्योंकि स्मैकडाउन शो फॉक्स पे होता है और फॉक्स नेटवर्क जो है USA के अंदर टॉप प्रायोरिटी माना जाता है स्पोर्ट के लिए, और AEW कलेजन की इतनी नहीं आई भाई साहब, वो नीचे ही है। तो स्मैकडाउन शो की 2.22 मिलियन आ गई है। तो गाइज अच्छी है, शो के अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी यार अगर रोमन रेंज होते शो में तो आपको पता ही है नेक्स्ट लेवल व्यूअरशिप भी जा सकती थी। तो ये स्मैकडाउन शो के जो मूवमेंट थे, टॉप मूवमेंट, उनके कारण आई है। तो गाइज मतलब आपको पता ही है AEW यार किस लेवल पे है, तो इतना तो बनता ही है। बाकी यार एक टाइम पर AEW 5 मिलियन 6 मिलियन भी लाती थी, रॉ की बात कर रहा हूँ। तो गाइज नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है विल ऑस्प्रे से। तो गाइज आज ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, फुल गियर में विल ऑस्प्रे ने साइन कर लिया है ऑल एलीट रेसलिंग को। तो बहुत से र्यूमर थे कि वो WWE में आएंगे, वैसे होंगे, लेकिन गाइज आज सारे र्यूमर खत्म हो गए और विल ऑस्प्रे ने ज्वाइन कर लिया ऑल एलीट रेसलिंग को। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और भाई उन्होंने थैंक्स कहा, बस इतनी बातें गई। और ये अपडेट थी विल ऑस्प्रे से। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है हमारी शेमस से। तो गाइज आपको पता है शेमस को भी AJ स्टाइल की तरह रेफर किया जा रहा था स्मैकडाउन में, लेकिन उन्हें एट मूवमेंट पे निकाल लिया गया। तो गाइज ये मेडिसर का कहना है कि नेक्स्ट स्मैकडाउन शो पे शेमस अवेलेबल होंगे एंड शेमस आएंगे। तो देखो गाइज नेक्स्ट स्मैकडाउन शो में क्या होता है, बाकी वो सर्वाइव। तो गाइज आपको पता ही है नेक्स्ट जो शो होने वाला स्मैकडाउन का वो FS1 पे आएगा, तो वो लास्ट शो है। वहाँ पर कह रहे हैं कि शेमस आ सकते हैं। एंड गाइज हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गंथर से। तो गंथर कहते हैं कि वो एक रसल मैच करना चाहते हैं हमारे लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल आपको पता है सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, साथ ही साथ वो एक रेसलर भी हैं, फुल टाइम WWE में आ चुके हैं। एंड गाइज वो बॉक्सिंग से रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने खुद कहा है अपनी कॉन्फ्रेंस में। एंड गाइज गंथर का कहना ये है कि वो लोगन पॉल के साथ फाइट कर सकते हैं। एंड गाइज वो करना चाहेंगे क्योंकि यार सेलिब्रिटी जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है लोगन पॉल, वो किसी भी चीज़ को किस लेवल तक लेके जा सकते हैं आप ये सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यार भाई वो यूनाइटेड स्टेट को किस लेवल तक ले गए, भाई कोई मान नहीं रहा था यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप को, और वो देखो कहीं पर भी लेके जा रहे हैं और किस लेवल तक लेके जा रहे हैं आप ये सोच भी नहीं सकते। एंड गंथर ने ये कहा कि पहले सेलिब्रिटी आते थे वो सिर्फ शो ऑफ करते थे, लेकिन अब जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं लाइक बैड बनी, लाइक लोगन पॉल, भाई ये रसल भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं और बेस्ट वे से मतलब WWE को ऊपर लेके जा रहे हैं और ज़्यादा। तो गाइज गंथर का कहना ये है कि वो एक मैच रसल करना चाहते हैं। देखो सर्वाइवर सीरीज़ में चैम्पियन वर्सेज चैम्पियन होता है, पहले तो होता था, अब देखो इंटरकॉन्टिनेंटल वर्सेज यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप वर्सेज चैम्पियनशिप मैच हो सकता है कि नहीं, बाकी आप कमेंट में बताना यार, मुझे तो नहीं लगता कि होगा। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है हमारी, CM पंक का आ रहा है एल्गोरिथम ऐसे, मतलब हो चुका है गूगल का कि आप सर्वाइवर सीरीज सर्च मारोगे तो CM पंक का रेफरेंस आ रहा है। तो बहुत साल बाद हुआ है ऐसे, क्योंकि गाइस WWE ने CM पंक के र्यूमर्स बहुत आ रहे हैं, तो WWE ज़्यादा सर्च कर रही है, सॉरी WWE नहीं, फैंस ज़्यादा सर्च कर रहे हैं CM पंक को। शिकागो में है तो फैंस बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं CM पंक को। तो CM पंक की प्रोफाइल के साथ सर्वाइवर सीरीज की टाइम और डेट आ रही है, तो ये सब हो रहा है। तो देखो आप सर्वाइवर सीरीज में क्या होता है। बाकी गाइस ये सारी अपडेट्स है, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।